जी हाँ, बेरूत के खतरनाक युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हमारे जाबाज संवाददाता सुमित चौधरी और हमारे कैमरा पर्सन निशांत, और वहां से जो तस्वीरें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं वो हाहाकारी हैं। वो बता रही हैं कि इसराइल ने किस तरह से लेबनान को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आज कुछ बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट्स लेबनान के युद्ध क्षेत्र से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं महायुद्ध के एपिसेंटर में, जिसकी आशंका थी अगले कुछ घंटों में अरब में वो ही होने की आशंका है, क्योंकि ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल अटैक से इसराइल को बारूदी चुनौती दी है। अब बारी इसराइल की है। सवाल यह है कि इसराइल का जवाब क्या होगा। दावा तो बहुत बड़ा है कि तेल अवीव ईरान के एटमी सेंटर और ऑयल रिफाइनरी पर बारूद गिरा सकता है। बिल्कुल, हालांकि जो बाइडेन की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इसराइल को प्लेटफार्म का अधिकार है, लेकिन एटमी ठिकानों पर हमले ना करने की हिदायत भी दी है। उधर ईरान मानने वाला नहीं है। इसराइल पर हमलों के बाद उसके जंगी तैयारी का ट्रेलर भी सामने आ गया है। TV9 पर इसराइल, लेबनान और ईरान के बीच जंग की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। TV9 वॉर जोन बेरूत से आपको हर खबर के साथ तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। जी हां, और शुरुआत में सबसे पहले आपको कुछ बेहद हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान के बेरूत पहुंच गए हैं TV9 भारत वर्ष के संवाददाता। जहां थोड़ी देर पहले हमला हुआ वहां से अब हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। बेरूत में आज भी इसराइल का हवाई हमला हुआ है। हमले वाली जगह से सुमित चौधरी हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले लाइव थे। हिजबुल्लाह के गढ़ से वो कर रहे हैं जाबाज रिपोर्टिंग, बता रहे हैं कितना नुकसान हुआ है यहां पर। हम इस समय मौजूद हैं बेरूत के हारेट इलाके के अंदर, जिसने इसराइल ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया है। आप सायरन सुन सकते हैं, धुआं की गंध, मैं आपको बताऊं कि पूरे इलाके में थोड़ी देर पहले इस इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है, खासतौर पर इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल अब इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। और अगर आप देखें ये पीछे घरों के अंदर आग लगी आप देखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस समय TV9 भारतवर्ष आपको लेबनान से, खासतौर पर बेरूत के आसपास के उन इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है जहाँ पर इस समय अटैक हुए हैं इसराइल ने। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो कि ये पूरे इलाके पर अभी बम्बारमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी बिल्डिंगों को खाली कर दिया है। ये बेरूत के पास के वो इलाके हैं दाहिया के, जहाँ पर लगातार इन इलाकों में अभी इसराइल की तरफ से अटैक किए गए हैं। ये हेरेट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हेरेट के इस इलाके में इसराइल ने साफ तौर पर कह दिया कि कुछ ही मिनटों में यहाँ के लोग यहाँ से खाली करते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ, क्या इलाका है, पूरी तस्वीर आप देखें कि सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। लोग यहाँ से खाली करके इन इलाकों को जा चुके हैं। और ये देखिए, दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो है, एवरीबडी फ्लू फ्रॉम दिस एरिया, नोबडी इज देयर। ओके, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अलार्म बज रहे हैं यहाँ पर। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत इस समय यहाँ मौजूद हैं, और ये देखिए अभी हालांकि जो हालत है, आलम है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। ये बेरूत के इलाका है जहाँ पर अभी रात में और सुबह भी अटैक किए गए हैं। चलिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय बेरूत के इलाकों में, या फिर आप कह सकते हैं लेबनान के इलाकों में, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी इलाका, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। निशांत, आइए, और ये तस्वीरें हैं इस समय बेरूत की, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसराइल के अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और देखिए, अभी हालांकि इसराइल ने तरफ, देखिए ये सारों घरों पर अटैक हुए हैं, वो देखिए धुआं, और वो है अभी यहाँ की तस्वीरें। और कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से थोड़ी देर में यहाँ पे बड़े अटैक इनिशिएट किए जाएंगे। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि इस इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल अब से थोड़ी देर बाद इन इलाकों को अटैक करने वाला है। तो आपने देखा हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की अब से थोड़ी देर पहले फाइल की गई ये रिपोर्ट, कितनी तबाही हुई है बेरूत में, ये वो आपको बता रहे थे। लेकिन अब बिना वक्त गंवाए मैं आपको सीधे लेबनान के युद्ध क्षेत्र में लिए चलूंगा। सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव बेरूत से कनेक्ट हो चुके हैं। सुमित, ये क्या आपके पीछे तो तबाही नजर आ रही है, क्या हुआ है, कितनी देर पहले हमला हुआ इसराइल का, क्या हाल है इस वक्त बेरूत का, जरा बताएं।
बिल्कुल समीर, देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ दाहिया के इलाके में। अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, नसरल्ला की तस्वीरें। और अगर आप देखें इन इलाकों में, ये वो बिल्डिंग है दाहिया की जिनको बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, खासतौर पर हिजबुल्ला का। और इस समय अगर आप देखें मेरे पीछे, आपको बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज नजर आ जाएंगी, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। ये पोस्टर देखिए, हिजबुल्ला का बैनर है जिसमें लिखा हुआ है, ना तो हम डरेंगे ना ही हम भागेंगे। और अगर आप देखें ये तस्वीर, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन निशांत से कहूंगा, निशांत आइए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय क्या हालात है यहाँ पर। अगर आप देखें समीर, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा वायर्स हैं आपको यहाँ पर, है यहाँ पे दूसरी चीजें। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये एक सर्विलेंस सेंटर था जहां से लगातार हिजबुल्ला मॉनिटरिंग कर रखता था कई चीजों को लेकर, खासतौर पर दाहिया के पूरे इलाके को लेकर, और यहाँ पे सर्विलेंस करता था। और इसी वजह से मैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका समीर खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहां पर, और सारे लोग यहां के भाग चुके हैं, क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूट के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूं, ये खाली हो चुके हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज अगर आप देखें, ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी, वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इसराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्ला बड़े ऑपरेशंस को चलाता था, और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपी सेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएँ कि अगर आप वहां देख रहे हो, अगर निशांत अगर आप वहां पर कैमरा फोकस करें तो वहां देखेंगे कि बड़े बड़े सर्विलेंस करता था। और अगर आप ये पूरा इलाका अगर इस तरीके से देखेंगे, आप पूरा इलाका अगर इस तरीके से देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत अगर आप वहां आए, मैं वहां पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इस समय की क्या ताजा हालात वहां पर इस समय मौजूद है। और ये देखिए, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये नसरल्ला का गढ़ माना जाता था, और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार समीर आवाज़ें सुनी, लगातार मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इसराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नजर आए, ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आएंगे, आपको सारे इमारतें खाली नज़र आएंगी, क्योंकि इसराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्ला ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। तो इन इलाकों में लोग भाग चुके हैं यहाँ से, सिविलियंस तो ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ भाग चुके हैं। और अगर आप देखें उधर की तरफ, तो ये इमारतें जो दूसरी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। ये दाहिया का वो इलाका है समीर, जब मैं एक महीने पहले इस इलाके में आया था तब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर घुसना या फिर इस इलाके में एंटर करना बहुत मुश्किल था, बहुत क्लोज सर्विलेंस हिजबुल्ला उस समय करता था। हिजबुल्ला के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्ला के बर्बाद आप कह सकते हैं कमांडर कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे, और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्ला की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब कैसे, पहले ये कहा जाता था कि इसे साउथ लेबनन तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूट तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं बेरूट में। हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इसराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्ला की मौजूदगी है, इसराइल वहां पर अटैक कर देता है। समीर, बिल्कुल सुमित, जो तबाही का मंजर है वो इस वक्त आप दिखा रहे हैं, और जो आप दिखा भी रहे किस तरह से जो इमारतें वो तबाह हो गई। जरा ये बताइए सुमित, क्योंकि इस वक्त आप दाहिया में हो और ये सब बेरूत के साथ लगता हुआ इलाका है, यहां पर बमबारी हुई है और उस तबाही के निशान को आप दिखा रहे हैं, लोग वहां से जा चुके हैं, लेकिन बेरूत की अगर बात की जाए, बेरूत और आसपास के इलाकों में लोगों में कितनी दहशत है लगातार ये जो बमबारी हो रही है इसके बाद।
करुणा, मैं करीबन एक महीने बाद दोबारा से बेरूत पहुंचा हूं, लेबनान पहुंचा हूं। एक महीने पहले जब मैं आपको बताऊं, जब मैं इन इलाकों में था तो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, और उस समय मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि ये जंग का दायरा, इस जंग की आज बेरूत तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, और उन्हीं हालातों की तस्वीरें ये हैं कि अब ये साउथ लेबनान तक, या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूत तक भी इस जंग की आँच या फिर उसकी उसकी तपिश पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें, ये इसी का बयान करती है। रात में मैंने देखा कि लोग सड़कों पर कई जगहों पर सो रहे थे, लगातार वो लोग इन इलाकों को खाली करके आ चुके हैं। ये इलाके सेफ जरूर माने जाते थे, लेकिन अब उतने सेफ नहीं है जितने हम पहले सोचा करते थे। एक महीने में, चार हफ्ते में इसराइल ने हिजबुल्ला को 40 साल पीछे धकेल दिया है। 40 साल पीछे धकेलने का मतलब आप समझिए कि हिजबुल्ला के वो इलाके अब खाली हो चुके हैं, हिजबुल्ला का वो गढ़ या फिर उसका जो कह सकते हैं बेस हिल चुका है। है कि जो नए कमांडर्स आए हैं, जो नए लगातार रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको भी अटैक करेगा। और यही वजह है कि इन इलाकों में अभी भी एयर स्ट्राइक जारी है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद, आप कह सकते हैं कि फौज शुक्र के मारे के जाने के बाद, अकील के मारे जाने के बाद, बेरूत से लेबनान के इस खतरनाक युद्ध जोन से, वॉर जोन से इस वक्त की जो बड़ी खबर बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुमित चौधरी, हमारे जाबाज रिपोर्टर, इस वक्त बेरूत के दाहिया इलाके से, जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां पर पहुंचे हैं सुमित चौधरी, और बता रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्ला को, इतने मजबूत संगठन को, इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए 40 साल पीछे कर दिया है। ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बेरूत में थोड़ी देर पहले इजराइल का हमला हुआ, जहां IDF के हमले, वहां से लाइव रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इसराइल के हमले के पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है हमलों के बाद। हमले वाली जगह से सुमित चौधरी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल ने F-35 लड़ाकू विमानों के जरिए जो ताजा हमले अंजाम दिए हैं, उसके बाद क्या हाल हुआ है बेरूत का, देखिए। अब से 2 घंटे पहले ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, जहां पे लोग रहते थे, लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। आप देखिए, ये आलम है इस समय यहाँ पर, इस जंग का, कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आप मानिए कि इसराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया है। इसराइल अभी मान चुका है कि अगर उसको हिजबुल्ला को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसको अटैक करना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि इसराइल ने यह दावा किया, इसराइल कहता रहा है कि बेरूत के इलाकों में भी खास तौर पर हिजबुल्ला अपने कमांडर कंट्रोल सेंटर बनाकर बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे, और यही वजह है कि इसराइल अब इनको टारगेट कर रहा है। लेकिन आलम देखिए, अभी ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस जंग के मैदान से, जहां से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि TV9 भारतवर्ष आपको इसे दिखा रहा है कि आखिर अभी तस्वीरें क्या हैं। अगर आप देखें, ताज़ा तस्वीरें हैं इस जंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि इसराइल के अटैक बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-34 की मदद से लगातार यहां पर अटैक किए गए, F-35 के। और ये आप इंपॉर्टेंट मानिए कि इसराइल यहां पर अपनी एफ सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है, और ड्रोन की मदद से भी अटैक कर रहा है। हालांकि देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में मुझे सिर्फ धुआं नजर आएगा, आग नजर आएगी, बुरी तरीके से बर्बाद इमारतें नजर आ जाएंगी। खाली हो चुका है ये इलाका। जब मैं पहले यहाँ पर आया था, तब ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती थी, हर वक्त यहाँ पर आपको लोग नज़र आ जाते थे, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये वो आलम है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय यहाँ के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर, हालांकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो देखिए, अब यहाँ पर टीमें भी पहुँच गई हैं जो लगातार यहाँ पर जाँच पर के लिए आ रही हैं, और ये वो टीम्स हैं जो यहाँ पर बॉम्ब से दूसरी चीज़ों को देखने की आई है कि आखिरकार जो इसराइल ने अटैक किया, उसके अंदर और भी बड़े बॉम्ब्स तो नहीं हैं जो फटे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आलम है इस समय, ना सिर्फ साउथ लेबनान के बेका और दूसरे इलाकों में, बल्कि ये बेरूत में भी ये आलम है। और ये इलाका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, लेबनान में उन इलाकों में मौजूदगी हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत की, जहां पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके इलाकों को दहला दिया है, वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सुमित, बेरूत से हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत
एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मेस्टन सर, मैं आपके पास आऊंगा। ये रिपोर्ट आपने देखी सुमित चौधरी की, और अभी भी बेरूत के दाहिया इलाके में थोड़ी देर पहले भी इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के बाद भी हमले जारी हैं। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आपको इसराइल की नजर आ रही है, खास तौर पर बेरूत को लेकर? पहली बात तो मैं सुमित को शाबाशी देना चाहता हूं कि वो वॉर जोन में बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दे रहा है, और दो घंटे के अंदर जो अभी हमला हुआ था उसके बाद वो वहां पहुंचा हुआ है, और उसका तजुर्बा जो एक महीने पहले था वो जो अभी कंपेयर किया है, साफ है कि वहां जिंदगी चल रही थी बढ़िया। लेकिन आज उसी जगह में हिजबुल्ला का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है और वो नजरुल्ला का गढ़ था, ये जगह दहिया, तो वहाँ पर ये अटैक्स हो रहे हैं। अब जो स्ट्रेटजी इसराइल की है वो बहुत साफ है, हिजबुल्ला का कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसमें कम्युनिकेशन सेंटर्स, कमांड पोस्ट, सबको डिस्ट्रॉय करना। देखिए, वो डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बेसिकली कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं और जो लीडरशिप होती है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी यह है कि जो उनके काडर्स हैं, देखिए कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अफगानिस्तान के तजुर्बे से बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पर था जी, जैसे ये तालिबान है या अलकायदा है, इनके जो काडर्स हैं वो तो भी फंक्शनल रहते हैं, इनमें लचकीलापन इतना रहता है और उनमें जो मोटिवेशन रहता है, उनके काडर्स के अंदर जो मोटिवेशन आ गया है खासकर नसरुल्ला को मरने के बाद, और आपने पोस्टर्स भी सुमित ने दिखाए हैं, उसमें लिखा ना हम भागेंगे ना लड़ते रहेंगे, तो वो एक उनके अंदर जो जोश है, बदले की भावना है, वो साउथ लेबनान बॉर्डर पे नज़र आ रही है। वहाँ इजरायली ट्रुप्स के साथ जो कॉम्बैट हो रहा है, जो ग्राउंड टू ग्राउंड फाइटिंग हो रही है वहाँ पर इजरायली फोर्सेस को, जो उनकी कमांडोज वगैरह हैं, उनको काफ़ी भारी क्षतिग्रस्त हो रही है। तो जो एक एंट्रेंट हो रहा था, जो एक ऑफेंसिव हो रहा था साउथ लेबनान में, वो थोड़ा अभी फीका पड़ गया है और अभी वहाँ स्टेटस को हो गया है। तो कहने का मतलब है ये जो कमांड कंट्रोल सेंटर तो डैमेज हो रहे हैं, लेकिन ये जो कार्डर्स को डिस्ट्रॉय करना, हमास में भी हमने देखा था जो गाजा में लड़ाई हुई थी, कार्डर्स आखिरी दम तक लड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल कई लीडर्स खत्म हो गए। इसराइल को अब स्ट्रेटजी ये देखनी पड़ेगी क्या ग्राउंड ऑफेंसिव इलाज है या और कोई जरिया है ये कार्डर्स को डिस्ट्रॉय करने का, वो सबसे बड़ी, यानी संजय मेस्टन सर, ये आपने साफ कहा कि इतना आसान नहीं होने वाला जो ग्राउंड ऑपरेशन है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं इजरायली फोर्सेस के सामने। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इजराइल का बेरूत में बहुत बड़ा हमला, दाहिया में हिज ठिकानों को निशाना बनाया गया, धमाकों में कई हिजबुल्ला के जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त हो रहा, और सुमित चौधरी जो इस वक्त वहां पर मौजूद है बेरूत के दाहिया में, वो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रहे, किस तरह से चुन चुन कर जो हिजबुल्ला के ठिकाने उनको ध्वस्त किया जा रहा है, और कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले जो हमला हुआ दाहिया में उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। तो देखिए, इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से दहल गया है बेरूत, बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है इजराइल ने, बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी बनाया गया है निशाना, यहां भी हमले हुए, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरूत का हेल्थ अथॉरिटी सेंटर, ये बताया जा रहा है जहां पर इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है, ये इजरायली हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और बेरूत पर जो इसराइल का हमला जारी है इसको लेकर एक और ताजा खबर है, देर रात दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला हुआ है, अल मशरफिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एयर स्ट्राइक करके बड़ा नुकसान हिजबुल्ला को पहुंचाया जा रहा है, जहां कहीं पर भी ठिकाने हैं वहां पर हमला किया जा रहा है। ये देखिए बेरूत की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे, लेबनान की राजधानी में किस तरह से इसराइल की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं, इसराइली एयरफोर्स इन हवाई हमलों के जरिए बड़ा नुकसान हिजबुल्ला को पहुंचा रही। और यह आपको बता दें कि सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें सीधे लेबनान से हम आप तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारी टीम इस वक्त लेबनान के युद्ध जोन में मौजूद है। ये देखिए बेरूत की लाइब्रेरी में भी भीषण हमले हुए हैं, IDF के हमले में लाइब्रेरी पूरी तरह से तबाह हो गई है, लाइब्रेरी के पास से
टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट भी अब आप देखने जा रहे हैं। हमले वाली जगह से सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय जहां मौजूद हूं हेरात के अंदर, जहां से निकलने की कोशिश की है, यहां पर देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। और ये एक लाइब्रेरी बताई गई है कि लाइब्रेरी थी जो पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुकी है। और ये आलम है इस समय यहां पर मौजूद चीज़ों का। ओके, और अभी हमको मना किया गया है, बोला गया है कि निकलो यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इसराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इसराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे, जो इस पूरी जंग में आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे। और उधर देखिए आप, आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ का, और फिर भी लोग लड़ते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है। और देखिए पीके श्रीवास्तव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नजर आ रहा है, जो रिपोर्ट सुमित चौधरी वहां से दे रहे हैं ग्राउंड से, ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से इसराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने का काम किया है और लगातार उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या जो कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें आपको नजर आ रहा है कि हिजबुल्ला अब इस स्थिति में है कि वो इसराइल के खिलाफ एक बार फिर से खड़ा होगा और पलटवार कर पाएगा? देखिए गड्रा, ऐसा है कि इसराइल की जो अभी रणनीति चल रही है, उन्होंने हमस को सीवियरली डैमेज करके उसको कंटेन कर दिया है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, कि उनका रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा। जैसा कि जनरल मेस्टर ने बताया कि इलास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने स्लीपर सेल्स होते हैं, दे कैन इंडिपेंडेंटली वर्क, मगर उनकी जो अटैक करने की क्षमता होती है वो बहुत सीवियरली लिमिटेड हो जाती है। तो एक तरफ हमस को कंटेन किया, और जहाँ तक हिजबुल्ला उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम लड़ाके ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत सीवियरली डैमेज कर दिया। पूरी लीडरशिप सफाई हो गई है, नव सेंटर चला गया है, लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है कि हमारे पेजर्स हों या मोबाइल सेट्स हों या रेडियो सेट्स हों, उनसे कम्युनिकेट करना भी मुश्किल हो गया है। तो इस स्थिति में जहाँ तक क्षमता उनकी है, लड़ाके होंगे ज़मीनी लड़ाके, मगर वो इतनी कोई चीज़ नहीं कर सकेंगे, और एयर पावर की सुपेरियरिटी इसराइल के पास सही है। अब आइए आप हुती को कंटेन करने के लिए रेड सी में बहुत सारे फोर्स लेवल्स को बढ़ा दिया गया है। ईरान अपनी सारी लड़ाई इन तीन आर्म्स के जरिए करता था और यही उसकी स्ट्रेटजी रहती थी, तो उस पर एक चोट लगी है, बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है। और शायद इसराइल का अब ये सोचना है, अगर हम इन तीनों को कंटेन कर देते हैं, सीवियरली डैमेज कर देते हैं और इनको इतना लिमिट कर सकते हैं, इनकी मारने की क्षमता कम हो जाए जी। और जहाँ तक आता है आयरन डोम का सवाल जो बार बार उठ रहा है, क्या आयरन डोम वीक पड़ गया? लेकिन जब भी सिचुएशन अटैक होता है या स्वॉर्म अटैक होता है, उसमें से कुछ न कुछ आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रायोरिटी टारगेट्स हैं वो हमेशा बचा लिए जाते हैं, नॉन प्रायोरिटी टारगेट्स में जाके आपका कहीं कोई पेनिट्रेशन हो पाता है। इसीलिए आपने देखा है डिस्पाइट 180 मिसाइल्स, सिर्फ एक आपको खबर आई है कि एक आदमी की मौत हुई है और कोई इतना खास डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, यानी लेबनान की तरफ से, ईरान की तरफ से जिस तरह से इसराइल पर अटैक किए गए हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना कामयाब रहा, कितना नाकामयाब रहा, आप उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन जिक्र अभी लेबनान का भी हो रहा है। लेबनान में क्योंकि TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद है, लेबनान के बेका में IDF की बमबारी हुई है, एयर स्ट्राइक से बेका में बड़ी तबाही की खबर सामने आ रही। भीषण बमबारी में 7 इमारतें जमींदोज हो गई, ये देखिए। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेका में IDF की बमबारी की, किस तरह से एयर स्ट्राइक करके बेका को दहला दिया है इसराइल ने। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि भीषण बमबारी में कुल 7 इमारतें जमींदोज हुई। और देखिए इसराइल के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, इसराइल में हिजबुल्ला का बड़ा हमला भी हुआ है। उत्तरी इसराइल में 110 रॉकेट दागे गए हैं, रॉकेट विस्फोट से दहल गया हाइफा शहर। तो देखिए इसराइल पर भी
हिजबुल्ला की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और उत्तरी इसराइल की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ इसराइल है जो लगातार लेबनान को दहला रहा है बड़े हमलों से, और दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी हार मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है और बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, ये एक साथ 110 रॉकेट के जरिए हमला किया गया। जो आसमान देखिए किस तरह से इस हमले के बाद जो चकाचौंध है वो नजर आ रहा है। देखिए इसराइल से टेंशन के बीच ईरान का बारूदी प्रदर्शन सामने आया है। रेडी टू अटैक मोड में रखी गई हैं विनाशक मिसाइलें। ये तस्वीरें, ये जखीरा देखिए, विध्वंसक मिसाइल का वीडियो जारी किया गया ईरान की तरफ से। इसराइल के पलटवार की आशंका के बीच एक तरह की इसराइल को धमकी दी जा रही है। वैसे भी ईरान ने यह कहा है कि ईरान ने जो हमला इसराइल पर किया है उसका जवाब देने के बारे में इसराइल सोचे भी ना। और अब ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें बारूदी जखीरा दिखाया गया है, मिसाइलें ईरान की कैसे रेडी मोड में हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मनीष, अभी हमारे संवाददाता सुमित चौधरी जब बेरूत से तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बात साफ नजर आ रही है, बिल्डिंग्स, इमारतें, तमाम संस्थान तबाह हो चुके हैं, लेकिन अगर कुछ नजर आ रहा है उनके ऊपर तो वो है नसरल्लाह के पोस्टर। और ऐसा लगता है कि तबाही के बाद वो पोस्टर जानबूझकर लगाए गए हैं ये बताने के लिए कि हिजबुल्ला अभी जिंदा है, हिजबुल्ला इस तरह खत्म नहीं होने वाला। आप क्या सबसे बड़ी बात देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित कह रहे थे कि एक हफ्ते, एक महीने पहले जब सुमित उन इलाकों में थे और तब उन्होंने देखा था कि दहिया कैसे लेबनान का रियल पावर सेंटर था, वो जगह जहां पर नसरुल्ला रहा करता था, वो जगह जहां हिजबुल्ला का मुख्यालय था। और आज उसकी हालत देखिए, आज उसकी हालत गाजा से भी बदतर है, जहां से सुमित लगातार अपनी जान पर खेल कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यही हाल ईरान को भी आने वाले समय में देखना पड़ सकता है। ये बात जो कही जा रही है कि लेबनान गाजा टू बन चुका है, उसकी एक एक तस्वीरें टीवी 9 के कैमरे पर दुनिया भर के दर्शक देख रहे हैं। दरअसल इसराइल ने मन बना लिया है कि इस बार आर या पार करना है, हमास के बाद हिजबुल्ला और हिजबुल्ला के बाद हूती और उसके बाद ईरान। और यही वजह है कि आप देखिए कि इसराइल के स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर दिन हर रात लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं बेरूत के इलाके में, साउथ लेबनान के इलाके में, यहाँ तक छोड़िए वो सीरिया तक को नहीं बख्श रहे। यानी इसराइल अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है और वहां आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब को खत्म कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में इसराइल के जो तेवर है वो और जब बड़े होंगे और तीखे होंगे तो उसका असर इसराइल के उन तमाम दुश्मनों में, ईरान सहित, उस पर क्या पड़ने वाला है जी। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान के इसराइल को बड़ी धमकी, हमला हुआ तो कड़ा जवाब देंगे, ये पजिश्कियान की तरफ से कहा गया। हमले की गलती का अंजाम काफी विनाशकारी होगा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन जवाब करारा देंगे। अगर इसराइल की तरफ से पलटवार किया गया ईरान के ऊपर तो ये ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर इसराइल ने एक बार फिर से उस पर हमला किया तो इसके बाद करारा जवाब होगा। तो देखिए ईरान कुल मिलाकर इसराइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हमले के बारे में सोचना भी मत। पजिश्कियान ने क्या कहा है, हमला हुआ तो अंजाम बहुत विनाशकारी होगा, जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा हमारे पास, आयरन डोम कांच से भी ज्यादा नाजुक है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। इसराइल ने मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाई, यानी इस अशांति का जिम्मेदार ईरान बता रहा है किसको, इसराइल को। तो देखिए ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान ने जो कहा इसके मायने आप समझ लीजिए। हमले के बाद इसराइल पर दबाव की जो रणनीति है वो बनाते हुए पजिश्कियान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ईरान को इसराइल से बड़े जवाब की आशंका है, पलटवार करेगा इस बात का पूरा डर है। अब खास बात आप समझिए, पजिश्कियान ने इसराइल को यह धमकी दोहा से दी है तो यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है। महेश सचदेवा सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि इसराइल पलटवार करेगा ये सभी जानते हैं और इसको लेकर हमने देखा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू रणनीति भी तैयार करते हुए नजर आ रहे, लेकिन अमेरिका एक रिस्ट्रेन करता हुआ नजर आ रहा है कि जवाब जो होगा कोई भी हमला वहां के न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर नहीं होगा, कोई हमला ऑयल डिपोज रिफाइनरीज पर नहीं होगा। क्या इसराइल मानेगा जो बाइडेन हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए वरना जब भी अमेरिका कोई एडवाइस देता है, एडवाइजरी इश्यू करता है तो हमेशा यह डर रहता है क्या वही तो नहीं होने वाला है।
क्या वही तो नहीं होने वाला है? क्योंकि अगर आप देखिए, अमेरिका की रणनीति रही है कि ईरान कभी भी आप न्यूक्लियर सक्षम ना हो पाए, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये वॉर एक अपॉर्चुनिटी है जो वॉर में कन्वर्ट हो गई। और जहाँ तक सवाल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके थ्रू ईरान अपने पावर को असर्ट करता था, उसको एक तरीके से डेसिमेट कर दिया गया है। अब रही बात उसके न्यूक्लियर एम्बिशन की, जो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, और अगर आप अमेरिकन मीडिया में सुनिए तो ये चर्चा बहुत आ चुकी थी कि अब वो कुछ हफ्ते ही दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और अमेरिका हमेशा चाहता था उसको रोका जाए। अगर मैं इस बिंदु को जोड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अब शायद यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि यह नहीं होगा, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर इनकैपेबल बनाने का जो मोमेंट अभी मिला है, उसका जरूर इस्तेमाल होगा। वो इस्तेमाल किस तरीके से होगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये सवाल एक्चुअली सचदेवा जी से था, तो सचदेव जी रिएक्ट करना चाह रहे थे। सचदेव सर, कुल मिलाकर ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? क्योंकि ईरान जो है वो रूस से परमिशन लेता है हमलों से पहले, इसराइल जो है वो अमेरिका से परमिशन लेता है हमलों से पहले। ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो महाशक्तियां इस युद्ध में इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही, कैसे देखेंगे इसे? सबसे पहले तो मैं दोहा का जिक्र करना चाहूंगा जी। ये पहली बार है कि नए चुने हुए राष्ट्रपति ईरान के किसी अरब देश में गए हैं, और दोहा में जाने का जो मेरे हिसाब से मकसद दिखता है वो ये दिखता है कि दोहा का इजरायली, अमेरिकन और इजिप्शियन इंटेलिजेंस सर्विसेज से गहरा ताल्लुक रहा है। और आपको याद होगा कि हमास के और इजराइल के बीच में जब युद्ध विराम की बातें हो रही थी तो दोहा और कैरो में ही निगोशिएशंस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस्माइल हानिया तो रहता ही वहीं था जी। और इसकी वजह तो मुझे ये लगता है कि पेजेशकियान का वहाँ जाना, दोहा के जो स्रोत हैं उनको इस बारे में लामबंद करना है कि इसको ईरान लड़ाई नहीं चाहता, और इनको इसराइल को और अमेरिका को ये संदेश अपरोक्ष रूप से देना था, उसके लिए ये किया गया है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक परमिशन का सवाल है, वो शब्द थोड़ा सा मुझे अखरता है। परमिशन की बात तो ना तो मॉस्को से कोई परमिशन तेहरान को मिलती है, ना ही टेल अवीव को वाशिंगटन से कोई परमिशन मिलती है। अपनी राय दी जाती है, लेकिन ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टेल वैगिंग द डॉग, तो टेल आगे रहती है, पूंछ आगे रहती है, कुत्ता पीछे रहता है। तो वो बार बार ऐसी चीजें हो रही है की तरह देखा जाता है जी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो कथनी और करनी में जो अमेरिका की फर्क है वो एक तरह से जानबूझ के किया गया है। कहने के लिए कुछ कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं होना चाहिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि न्यूक्लियर जो है वो उनका जो प्रोग्राम है वो कुछ हफ्तों की दूरी पर है इनरिचमेंट के प्रोसेस को परिष्कृत। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं कि इसराइल की तरफ से हमले होते हैं, अगर इसकी नौबत आती है तो ईरान के खिलाफ ये हमले किस तरह के होंगे और इसका कितना बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।